हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला लहंगा या फिर अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे आने वाले इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और उसके बाद ये घंटी का आइकन आ जाएगा, इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, ये लहंगा मैं एक 10 ईयर की गर्ल के लिए बना रही हूँ। तो मेरे पास ये कपड़ा है, 1.25 मीटर ये कपड़ा है, और इसको ब्रोकेट कहते हैं। तो मेज़रमेंट इस तरीके से है, कमर का नाप हमें चाहिए, हिप का नाप चाहिए और फुल लेंथ चाहिए। तो कमर का नाप यहाँ पर 24 इंच है और फुल लेंथ यहाँ पर है हमारे पास 29 इंच तैयार। तो देखिए, हमारे पास मैं इस तरीके का कपड़ा होता है, तो इसे हम यूँ सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ऐसा हमारे पास लंबाई में कपड़ा होता है, तो इसे हमें सेंटर से यूं फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं ये न्यूज़पेपर फोल्ड कर रही हूँ। फिर इसे एक तिरछा फोल्ड यूं दे देना है ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब आपकी जितनी भी कमर है, यहाँ पर हमारे पास 24 इंच कमर है, उसका आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी जितनी भी आपकी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। प्लस उसमें 1/2 इंच ले लीजिए साइड की सिलाई के लिए, जैसे कि यहाँ पे है 24, तो उसका हम फोर्थ कर लेंगे, तो 6 इंच और प्लस 1/2 इंच, यानी 6.5 इंच पे हमने यूँ तिरछा निशान लगा लेना है। इसके बाद देखिए, फुल लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 29 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम 29 में प्लस कर लेंगे 1 इंच, 30 इंच आ जाएगा। तो देखिए, इंची टेप के ऊपरी हिस्से को हमें नहीं हिलाना है, सिर्फ निचले हिस्से को हम यूँ गोलाई में घुमाते हुए जाएंगे और 30 इंच पर यूं गोलाई में निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें जोड़ लगाना पड़ेगा कपड़े पे। तो देखिए, हमारे पास ये कपड़ा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको यूं फोल्ड कर लेना है सबसे पहले हमें यूं, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है, जैसे कि हमने न्यूज़पेपर को फोल्ड किया था, जैसे कि ये न्यूज़पेपर है, इसको हमने यू फोल्ड किया, एक फोल्ड ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब ये हमने फोल्ड कर लिया, दूसरा फोल्ड जो हमें लेना है वो कैसे लेना है, यू हमारा कपड़ा होगा तो इसको यू फोल्ड कर लेना है, ये कॉर्नर सेम रखना है, यू फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो कपड़ा है उसको हम यू फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये हमारा फोल्ड हो गया। तो मैंने किस तरीके से फोल्ड किया आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे अच्छे से ये हमने फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये हमारा कपड़ा यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हमारी जितनी भी कमर है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बच्चे की कमर है 24 इंच, 24 का हम लगा लेंगे 4th, तो आ जाएगा 6 इंच, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है, देखिए यहाँ से हम इस कॉर्नर से 6 इंच प्लस 1/2 इंच ले रहे हैं, ये जो सिलाई आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी 6 और 1/2 इंच जहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, आपकी जितनी भी कमर है उसके हिसाब से आप यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये हमने कमर का निशान लगा लिया, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा आप 1/2 इंच नीचे को ले लीजिए और यूं गोलाई कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ये हमने गोलाई कर ली। अब देखिए, आपको लेंथ चाहिए 30 इंच, 30 इंच आप यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट को आप जो है वो नहीं बदलेंगे, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है, बस यहाँ से आप इसको ऐसे हाथ से ले लीजिए और 30 इंच आपका जहाँ पर भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर निशान लगा लीजिए, इसको यहीं पर श्रिंक करके रखिए, फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर निशान लगा लीजिए,
यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 30 इंच आ रहा है तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है ये हम थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे, ये वाला पॉइंट जो है हम ये जो लाइन है इस पर ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर हम निशान को भी घुमाते जाएंगे यूं, और लास्ट में जो होगा यूं आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गोलाई है वो यूं हो जाएगी, ठीक है। ये जो जोड़ है इसे हमें कैसे करना है मैं बता देती हूँ, इसकी पहले हम कटिंग कर लेंगे। देखिए ये कपड़ा जो था इस शेप में था, ठीक है, तो हमने क्या किया इसको यू रखा और यहाँ से हमें इसे घुमाना है ऐसे। मैं साथ साथ पेपर में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा कैमरा जो है इतना बड़ा फोकस नहीं ले पा रहा है, तो ठीक इसी तरीके से ये कपड़ा जो है यूँ कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है यूँ गोल कट गया है। अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, तो कैंची से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया और यहां का भी हम गोल कटिंग कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए ये जो हिस्सा है इसकी हम यू कटिंग कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इस हिस्से पे हमें क्या करना होगा, कपड़ा लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे इतना कपड़ा हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे ये जो हिस्सा है इसी को आप ले लीजिए जो कॉर्नर का हिस्सा है ऐसे, ठीक है, इसे यहाँ पर यूँ रखेंगे। सिलाई जो होगी हमारी यहाँ पर इस तरीके से सिलाई होगी थोड़ी सी, ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा हम थोड़ी सी कटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सिलाई आएगी ऐसे, तो यहाँ पर हम इसको यूँ काट लेते हैं, कपड़ा जो है यूं लगेगा यहाँ, इसकी पहले हमारी यहाँ सिलाई हो जाएगी और फिर इसकी हम उसके बराबर कटिंग कर देंगे, तो इसको हम काट लेते हैं। ओके, अब हम इसकी बेल्ट के लिए कपड़ा काटेंगे, तो बेल्ट के लिए हमें देखिए पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे नाप लीजिए, तो ये आ रहा है 13.5 इंच, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बेल्ट ले ली है, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है 14 इंच एक पीस की है और दूसरे की 14 इंच है, यानी 28 इंच अगर आप पूरा स्ट्रेट कपड़ा निकालते हैं। तो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो ये घेरे का जोड़ हमारा कम रह गया था और हमने अलग से पट्टी इसमें लगानी है, तो सबसे पहले हमें इसे स्टिच कर, तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है, जोड़ लगा लिया है कपड़े पे। ज़्यादातर हम जितने भी कपड़े बनाते हैं उनका घेरा, क्योंकि उनका अर्ज कम होता है तो इस तरीके का जोड़ आता ही आता है। अगर आप स्पेशली कोई ऐसा कपड़ा लेते हैं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो तो शायद उसमें ऐसा जोड़ ना आए। तो देखिए अब हमने दोनों किनारे एकदम बराबर करके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग, तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम जैसा कि हमने स्कर्ट काटी थी उतनी लेंथ से 2 इंच कम करके हमने लाइनिंग का कपड़ा भी कटिंग कर लिया है और अटैच कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इस लहंगे की साइड में यूं फ्रंट और बैक को आप मिला लीजिए, साइड में स्टिच करनी है। जैसे कि देखिए मैं ये न्यूज़पेपर पे आपको करके बता रही हूँ, इस तरीके से हमारा स्कर्ट कटा है, साइड का जोड़ हमने लगा लिया नीचे का। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमें स्टिच करनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें लहंगे की साइड को आपस में एकदम मिला लेना है,
यहाँ से स्टिच करते हुए लेके आने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करीबन 1 इंच पहले ही स्टिच छोड़ देनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर नाड़ा या डोरी अंदर डालूंगी। अगर आप लास्टिक लगा रही हैं तो आपको पूरा ऊपर तक स्टिच करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से ये वाली साइड आपको पूरी ऊपर तक स्टिच करनी होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने प्लेकेट के लिए ये कपड़ा छोड़ दिया है। यहाँ पे हमें यूं स्टिच लगा के इसे फिनिश कर देना है। ये प्लेकेट के लिए हमें तभी छोड़ना है जबकि हमें नाड़ा यहाँ पे डालना है। अगर आप इलास्टिक डाल रही हैं पूरा ऊपर तक, तो आपको पूरा ऊपर तक स्टिच करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नाप लीजिए, ठीक है, और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिए कपड़े की लंबाई, क्योंकि हम बीच में जोड़ लगा रहे हैं और साइड में भी हमें किनारों की फिनिशिंग करनी है, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो हमें देखिए सबसे पहले इस प्लेकेट को तैयार कर लेना है, और उसके बाद देखिए यूं हमें रॉन्ग साइड से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए पहले हमें इसकी यूं अंदर को फिनिशिंग करनी है रॉन्ग साइड की तरफ, और यूं हमें रॉन्ग साइड की तरफ इस कपड़े को स्टिच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे हम, और फिर यहाँ से आगे तक लगाएंगे यूं। तो यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए यूं, क्योंकि हमें कपड़े की फिनिशिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इस बेल्ट को लेकर इसके जो किनारे हैं उसको रॉन्ग साइड की तरफ यूं टर्न करके स्टिच लगा लेनी है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस बेल्ट के किनारों को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेना है और इस पर यूं स्टिच लगा लेनी है। 29 इंच का मैं यहाँ पर लहंगे की लेंथ तैयार चाहिए हमें, तो 30 इंच मैंने घेरा लिया था लेंथ में, और उसके बाद ये 4.5 इंच यानी 4.5 इंच चौड़ाई की मैंने बेल्ट ली है। तो ये किनारे हमने फिनिश कर लिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्कर्ट है इसके रॉन्ग साइड पर प्लेकेट जो है हमें टर्न कर लेनी है। अब हमें इसे यूं रॉन्ग साइड पर स्टिच करना स्टार्ट करना है इस तरीके से। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, क्योंकि जो स्कर्ट का कपड़ा है वो अम्ब्रेला है, यानी हमने उरेब काटा है उसे, तो उसे खींचना नहीं है। बहुत ही आराम से हमें स्टिच लगानी है इस तरीके से। तो देखिए, हमें एंड तक ये स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक तो बेल्ट ये जोड़ ली है। अब हम इस स्कर्ट को या लहंगे को आप सीधा कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। सीधा करने के बाद हमें यूं इसे बेल्ट को सीधी तरफ इस तरीके से टर्न कर लेना है, और इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़कर, ये देखिए हमने पिन लगा लेते हैं इस तरीके से, हमें इसे मोड़ लेना है बराबर बराबर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्टिच है बेल्ट की जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ तक स्टिच कर लेना। तो ये देखिए, हमने बेल्ट को तो स्टिच कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से। अब हमें नीचे जो घेरा है, ये देखिए, इस घेरे को इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न कर लेना है और इस पर स्टिच लगा लेनी है। बॉटम जो है हमें तैयार कर लेना है स्कर्ट का,
तो ये देखिए हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट या लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।